हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिर चैनल। दोस्तों, मैं फिजिकल एजुकेशन की चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करा रही हूँ, जिसमें से चैप्टर चल रहा है स्पोर्ट ट्रेनिंग यानी खेल प्रशिक्षण, जिसके अंतर्गत टॉपिक है स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड, कोऑर्डिनेशन आदि टॉपिक है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। एंड दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पे सभी वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वो भी बिल्कुल फ्री में दोस्तों। एंड दोस्तों, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज क्वेश्चंस के 100 से ज़्यादा वीडियोज बनाए जा चुके हैं, एंड डेली बेसिस पे चैप्टर वाइज एमसीक्यूज का प्रैक्टिस हो रहा है। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे चैनल पे बेहतरीन तैयारी के लिए। तो चलिए चलते हैं, आज के प्रश्नों को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि एक व्यायाम जिसमें व्यक्ति एक लंबे समय तक बिना रुके अधिक ऑक्सीजन ग्रहित करके पेशी में ऊर्जा पर निर्भर रहकर लंबे समय तक क्रियाकलाप करता है, उसे क्या कहते हैं। दोस्तों, इसका सही आंसर आपने टिक कर दिया होगा कि ऑक्सीजन ग्रहित करके लंबे समय तक ऊर्जा पर निर्भर रहकर क्रियाकलाप करने को कहते हैं एरोबिक व्यायाम। क्या कहते हैं? एरोबिक व्यायाम यानी कि एरोबिक एक्सरसाइज। एरोबिक का मतलब ही होता है ऑक्सीजन के साथ, और एनएरोबिक का मतलब होता है ऑक्सीजन के बिना। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो ऑक्सीजन के साथ जो भी क्रियाएं होंगी, एरोबिक क्रियाएं, वो ज्यादा समय की क्रियाएं होंगी, उसमें सहनशीलता आपका डेवलप होगा। नेक्स्ट है वह व्यायाम जिसमें कम से कम ऑक्सीजन से लगभग 60 सेकेंड तक पेशी में ईंधन के सुरक्षित भंडार पर ही निर्भर रहकर क्रियाकलाप किया जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या रहा है कि कम से कम ऑक्सीजन का प्रयोग कर रहा है और 60 सेकेंड यानी सेकेंड तक, छोटी से छोटी क्रिया है कम से कम समय की, वहां अनएरोबिक व्यायाम यानी कि बिना ऑक्सीजन के एक्सरसाइज आते हैं, एनएरोबिक व्यायाम यहाँ पे सही होगा। तो आपको एरोबिक एनएरोबिक में कभी कंफ्यूज नहीं होना है। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन के साथ, एनएरोबिक बिना ऑक्सीजन के, एरोबिक मतलब ऑक्सीजन के साथ यानी कि लंबे समय की क्रियाएं जो सहनशीलता को डेवलप करती हैं, एंड अनएरोबिक मतलब बिना ऑक्सीजन के या कम ऑक्सीजन की क्रियाएं, जैसे 60 सेकेंड तक की, ये सेकेंड में ही अक्सर मेजर किया जाता है, जैसे कि 100 मीटर दौड़, 200 मीटर दौड़, ये अनएरोबिक में आएंगे। एंड बिना ऑक्सीजन के इसमें ऊर्जा बर्न होती है, जो हमारे शरीर में स्टोर ऊर्जा है वह हमारे अनएरोबिक क्रियाओं में प्रयोग होता है, और जो ही खत्म हो जाता है तो ऑक्सीजन का लेवल खत्म हो जाता है, यह आएंगी आपकी एनएरोबिक व्यायाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु एरोबिक व्यायाम लगभग कम से कम कितने मिनट का व्यायाम होता है। तो एरोबिक व्यायाम होता है लघु एरोबिक व्यायाम, मध्यम एरोबिक व्यायाम, दीर्घ एरोबिक व्यायाम, इसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे लघु एरोबिक व्यायाम पूछा है कि कम से कम लगभग कितने मिनट का होता है लघु एरोबिक व्यायाम, तो यह 2 से 8 मिनट का होता है। ठीक है, लघु एरोबिक व्यायाम कितने मिनट का होता है? 8 मिनट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यम एरोबिक व्यायाम लगभग कम से कम कितने मिनट का व्यायाम होता है। तो मध्यम एरोबिक व्यायाम 8 से 30 मिनट का होता है। एंड नेक्स्ट है दीर्घ एरोबिक व्यायाम लगभग कम से कम कितने मिनट का होता है। तो जो दीर्घ एरोबिक व्यायाम होता है वह 60 मिनट यानी 1 घंटे तक का होता है, या उससे भी ज्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे आपने क्या समझा, जो एरोबिक व्यायाम है वह लघु एरोबिक व्यायाम, मध्यम एरोबिक व्यायाम, दीर्घ एरोबिक व्यायाम। जो लघु एरोबिक व्यायाम है 2 से 8 मिनट का, मध्यम 8 से 30 मिनट का, दीर्घ एरोबिक 60 मिनट तक का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एरोबिक चयापचय में कितनी एटीपी की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे फेफड़ों से, फेफड़ों के एल्वोलाई में एक्सचेंज होकर के जाता है हीमोग्लोबिन, उसको लेकर के, ऑक्सीजन को लेकर के हमारे कोशिकाओं तक जाता है, वहां जाकर के सबसे पहले कोशिका द्रव्य में ऑक्सीजन जाता है, जहां पे अनएरोबिक चयापचय होता है, जो जिसे हम
ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कहते हैं, उसमें दो एटीपी बनता है एंड उसके बाद जाता है माइटोकांड्रिया में जिसमें एरोबिक चयापचय होता है ऑक्सीजन के साथ जिसमें 36 एटीपी बनता है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे पूछा है एरोबिक चयापचय में कितनी एटीपी की आवश्यकता पड़ती है, तो एरोबिक चयापचय में 36 एटीपी की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों यही भी आपका पूछता कि अनएरोबिक चयापचय में कितनी एटीपी की आवश्यकता होती है, तो वहां 2 एटीपी की आवश्यकता पड़ती है, यानी कुल मिलाकर के कोशिकीय श्वसन में 38 एटीपी बनता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है लघु एनएरोबिक व्यायाम कम से कम कितने समय का व्यायाम होता है। जैसे एरोबिक व्यायाम लघु मध्य दीर्घ होता है, उसी प्रकार एनएरोबिक भी लघु मध्यम और दीर्घ होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो लघु एनएरोबिक व्यायाम कम से कम कितने समय का व्यायाम होता है, तो यह कम से कम 25 सेकेंड का होता है। कितने सेकेंड का? 25 सेकेंड का, ठीक है। नेक्स्ट है मध्यम एनएरोबिक व्यायाम कम से कम कितने समय सेकेंड का होता है, तो यह होता है 25 से 60 सेकेंड का। कितना होता है? 25 से 60 सेकेंड का। मध्यम एरोबिक व्यायाम कितना होता है? 25 से 60 सेकेंड का, ठीक है। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीर्घ एनएरोबिक व्यायाम कम से कम कितने समय का होता है, तो दीर्घ एनएरोबिक व्यायाम 60 से 120 सेकेंड का होता है, ठीक है। 60 से 120 सेकेंड का होता है। तो यहाँ पे हम लोग समझे कि लघु एनएरोबिक व्यायाम लघु मध्यम और दीर्घ एनएरोबिक होता है, जिसमें से लघु एनएरोबिक जो है 25 सेकेंड से कम का है, मध्यम एनएरोबिक 25 से 60 सेकेंड का है एंड दीर्घ एनएरोबिक 60 से 120 सेकेंड का है। 120 सेकेंड यानी 2 मिनट तक का। इस प्रकार 2 मिनट तक की जो क्रियाएं हैं वो अनएरोबिक में आ जाएंगी, उसके बाद की क्रियाएं जितना है 2 मिनट के बाद सब एरोबिक क्रियाओं में आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है किसी क्रिया की प्रकृति के अनुसार सहनशीलता को कितने प्रकार में बांटा गया है। तो दोस्तों क्रिया की प्रकृति के अनुसार सहनशीलता को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग दोस्तों? यह 3 भागों में बांटा गया है, बेसिक, जनरल, स्पेसिफिक, यानी मूलभूत, सामान्य और विशिष्ट सहनशीलता में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कार्य की अवधि के अनुसार सहनशीलता को कौन कौन से प्रकार में बांटा गया है। तो कार्य की अवधि के अनुसार दोस्तों सहनशीलता को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। इसमें आपका आएगा स्पीड इंड्योरेंस यानी गति सहनशीलता, शॉर्ट टाइम इंड्योरेंस यानी सूक्ष्मकालीन सहनशीलता एंड मिडिल टाइम इंड्योरेंस यानी मध्यकालीन सहनशीलता एंड लॉन्ग टाइम इंड्योरेंस यानी कि दीर्घकालीन सहनशीलता, जिसे एरोबिक एंड्योरेंस भी बोला जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह क्रिया की प्रकृति के अनुसार सहनशीलता की क्षमता जिसमें अधिक मांसपेशी सम्मिलित होकर कम गति से किसी कार्य को 30 मिनट से अधिक समय तक करती है, उसे क्या कहते हैं। जैसे तैराकी, जॉगिंग, पैदल चलना आदि के लिए प्रयुक्त होने वाली क्षमता, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे आधार सहनशीलता यानी कि बेसिक एंड्योरेंस, जिसे मूलभूत सहनशीलता भी बोला जाता है, यानी कि जो हमारे जन्मजात यानी प्रकृति नेचर ने दिया है वह क्रियाएं यानी बेसिक इंड्योरेंस, जैसे कि तैराकी, जॉगिंग, पैदल चाल यानी 30 मिनट से अधिक समय तक की क्रियाएं जो होती हैं, ठीक है, इसे तीव्रता कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों खेल प्रकृति के अनुसार प्रयुक्त होने वाली वह सहनशीलता जिसके आधार पर खेल गतिविधि को थकान की स्थिति में किया जाता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम कहेंगे दोस्तों, यहाँ पे खेल की गतिविधि को ध्यान रखा है, यहाँ पे होगा विशिष्ट सहनशीलता यानी स्पेसिफिक एंड्योरेंस। दोस्तों फिजिकल एजुकेशन में जहाँ भी विशिष्ट शब्द आ जाए या स्पेसिफिक शब्द आ जाए तो जान लीजिए वो खेल से रिलेटेड है, या कहीं भी खेल शब्द आ जाए तो वो जान लीजिए उसमें विशिष्ट शब्द वाला ऑप्शन ही सही होगा। तो यहाँ खेल गतिविधि यानी कि
थकान की स्थिति में किया जाए तो वहां पे होगा विशिष्ट सहनशीलता यानी स्पेसिफिक एंड्योरेंस। विशिष्ट सहनशीलता में होता क्या है दोस्तों कि वह क्षमता जो किसी खेल क्रिया को उसी खेल के अनुसार थकान की स्थिति में किया जाता है, ठीक है, उसको कहते हैं विशिष्ट सहनशीलता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह खेल अवधि पर आधारित सहन शक्ति जो 45 सेकेंड तक की अवधि के लिए किसी खेल में प्रयुक्त होती है जैसे 400 मीटर की दौड़। तो दोस्तों 45 सेकेंड शब्द है, यहाँ पे एनएरोबिक कार्य हो रहा है यानी कम समय की कार्य हो रहा है, तो यहाँ पे जितना भी कम समय की कार्य होगी सेकेंड में होगी तो वह आपका आ जाएगा स्पीड में, ठीक है, स्पीड में गिनती होगा यानी यहाँ पे स्पीड एंड्योरेंस होगा यानी गति सहनशीलता होगा, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। यही आपका 2 मिनट से ज्यादा तक की कोई क्रिया होता 800, 1200 मीटर की दौड़ होता तो यहाँ पे आपका सहनशीलता हो जाता, सीधे क्या हो जाता, सहनशीलता हो जाता। लेकिन यहाँ 45 सेकेंड तक की अवधि के लिए खेल में प्रयुक्त जैसे कि 100, 200, 400 मीटर दौड़ है तो इसमें आपका हो जाएगा गति सहनशीलता यानी स्पीड एंड्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल क्रिया की अवधि पर आधारित सहन शक्ति जो 45 सेकेंड से 2 मिनट के लिए प्रयुक्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहेंगे एनएरोबिक सहनशीलता यानी कि जो ऑक्सीजन के बिना होता है और कम समय की 45 सेकेंड से 2 मिनट तक की जो क्रियाएं होती है वो एनएरोबिक में रखा जाता है यानी उसमें स्पीड एंड्योरेंस डेवलप होता है, और 2 मिनट से ज्यादा की जो क्रियाएं होंगी वह एरोबिक क्षमता पर आधारित होंगी, उसमें एंड्योरेंस डेवलप होगा। नेक्स्ट है साइकिलिंग करना, रस्सी कूदना, तैरना आदि तरह की क्रियाएं किस प्रकार की एक्सरसाइज कहलाती हैं, तो दोस्तों ये सभी एक्सरसाइज जो हैं वह एरोबिक एक्सरसाइज हैं, ठीक है, क्या है, एरोबिक एक्सरसाइज है। नेक्स्ट है उस प्रशिक्षण विधि को क्या कहते हैं जिसको कि एक स्वीडिश भाषा में नाम दिया गया है तथा उसे स्पीड प्ले विधि भी कहा जाता है, तो इसका सही आंसर आपने टिक कर दिया होगा दोस्तों, इसको कहते हैं फार्टलेक, क्या कहते हैं, फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड। इस फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड की खोज दोस्तों 1937 में गोस्टा होमलर ने किया था एंड इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य है एंड्योरेंस को डेवलप करना, सहनशीलता को डेवलप करना है। और फार्टलेक शब्द दोस्तों स्वीडिश शब्द है जिसका अर्थ होता है गतिज खेल यानी स्पीड प्ले। और सबसे ध्यान देने वाली बात है कि बिना रुके लंबे समय तक अभ्यास को मंद और तीव्र गति से बिना पूर्व नियोजित तरीके से किया जाता है यानी कोई प्रॉपर प्लानिंग पूर्व पहले से नहीं होता है इसमें, ठीक है, और इसमें जो है अभ्यास की गति अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तित की जाती है, इसीलिए इसको कहते हैं स्पीड प्ले विधि, ठीक। या पहाड़ों, नदियों, तहसीले इलाकों में भागना, बालों में, कीचड़ में तथा जंगलों में चढ़ाई व ढलान पर क्रियान्वित वॉकिंग, सैंड रनिंग आदि इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है स्पीड प्ले विधि को किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों स्पीड प्ले विधि को किस नाम से जाना जाता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आए वहां पे फार्टलेक न दिया रहे तो एंड्योरेंस यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार के फंसाने वाला क्वेश्चन रहेगा तो एंड्योरेंस आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्योंकि फार्टलेक से एंड्योरेंस डेवलप होता है। और फार्टलेक है क्या, जैसे कि हमारे एंड्योरेंस यानी सहनशीलता को विकसित करने की 4 विधियां हैं, कंटिन्यूअस मेथड, इंटरवल मेथड, रिपीटेशन मेथड और कंपटीशन मेथड। कंटिन्यूअस मेथड जो है वो सभी कंटिन्यूअस मेथड के अंतर्गत स्लो कंटिन्यूअस मेथड, फास्ट कंटिन्यूअस मेथड, फार्टलेक मेथड, वेरिएबल फेस मेथड आता है। तो कंटिन्यूअस मेथड यानी लगातार शब्द जहां भी रहेगा वहां एंड्योरेंस डेवलप होगा, ठीक है, तो यहाँ कंटिन्यूअस मेथड के जितने भी भाग है वो सब एंड्योरेंस डेवलप करते हैं, तो फार्टलेक क्या है, एंड्योरेंस डेवलप करता है। वहीं पे आ जाएगा इंटरवल मेथड यानी कि अंतराल प्रशिक्षण, तो वो आपका अंतराल ले लेकर के कर रहा है यानी स्पीड एंड्योरेंस डेवलप हो रहा है। रिपीटेशन मेथड में क्या हो रहा है, स्पीड एंड्योरेंस डेवलप हो रहा है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व नियोजित सहनशीलता को विकसित करने की वह विधि जिसमें आक्सी तथा अनाक्सी क्षमताओं को भी विकसित किया जाता है बार बार गति बदलकर, तो उसे हम क्या कहते हैं,
तो उसे हम कहेंगे दोस्तों वेरिएबल फेस मेथड। क्या कहेंगे? वेरिएबल फेस मेथड। इसमें पूर्व नियोजित ढंग से संरचिता को विकसित किया जाता है, जबकि फॉर्टलेक में क्या किया जाता है, बिना पूर्व नियोजित ढंग से किया जाता है। ये अंतर है दोनों में। नेक्स्ट है वह सहनशीलता को विकसित करने की विधि जिसमें प्रतियोगी कई प्रतियोगिताओं में भाग लेता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे कंपटीशन मेथड। वह सहनशीलता को विकसित करने की विधि जिसमें प्रतियोगी कई प्रतियोगिताओं में भाग लेता है उसको हम कहते हैं कंपटीशन मेथड। ये भी है आपका इंड्योरेंस को डेवलप करने की विधि। नेक्स्ट है स्लो कॉन्टिन्यूअस मेथड, फास्ट कॉन्टिन्यूअस मेथड, फॉर्टलेक मेथड, वेरिएबल फेस मेथड आदि प्रशिक्षण के प्रकार के सहनशीलता को विकसित करने के लिए किस विधि के अंतर्गत आते हैं। तो ये सभी दोस्तों आपके कॉन्टिन्यूअस विधि के अंतर्गत यानी कि कॉन्टिन्यूअस मेथड के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, यानी कि लगातार प्रशिक्षण विधि यानी कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड में आते हैं। एंड नेक्स्ट है एरोबिक क्षमता तथा एनएरोबिक क्षमता मूवमेंट, इकोनॉमी, मनोवैज्ञानिक यानी कि फिजियोलॉजिकल फैक्टर कारक तथा ऊर्जा स्रोत किस शारीरिक स्वास्थ्य के घटक को निर्धारित करने वाला कारक है। तो यह दोस्तों एरोबिक, एनएरोबिक, मूवमेंट, इकोनॉमी यानी फिजियोलॉजिकल फैक्टर कारक, यह है आपको एंड्योरेंस को निर्धारित करने वाला कारक है। नेक्स्ट है शारीरिक स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण घटक, ताकत को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों, इसको तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से तीन भागों में, इसको मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, तीन भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक स्वास्थ्य के घटक ताकत को कौन से तीन भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे हमने बताया कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ यानी कि अधिकतम शक्ति, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ यानी विस्फोटक शक्ति, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस यानी कि शक्ति सहनशीलता, इन तीन भागों में बांटा गया है शारीरिक स्वास्थ्य के घटक शक्ति को यानी ताकत को। दोस्तों इसके बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो स्पोर्ट ट्रेनिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी वीडियोज हैं, उसको आप एक बार देख लेंगे तो आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गतिशील शक्ति यानी आइसोटोनिक मेथड, गतिहीन विधि यानी आइसोमेट्रिक मेथड, आइसोकाइनेटिक विधि तथा स्थिर विधि स्टैटिक मेथड किस प्रकार के ताकत को विकसित करता है। तो दोस्तों यह किस प्रकार के ताकत को विकसित करता है, यह अधिकतम यानी मैक्सिमम स्ट्रेंथ को डेवलप करता है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ को डेवलप करता है, अधिकतम ताकत को। नेक्स्ट है दोस्तों विशिष्ट एवं प्रतियोगिता व्यायाम यानी स्पेशल एंड कंपटेटिव एक्सरसाइज तथा गहन अंतराल विधि इंटेंसिव इंटरवल मेथड किस प्रकार के ताकत को विकसित करता है। तो यह विस्फोटक शक्ति एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को डेवलप करता है, ठीक है, जो स्पेशल एंड कंपटेटिव एक्सरसाइज है एंड इंटेंसिव इंटरवल मेथड है, इंटेंसिव यानी कम समय की क्रिया, यह किसको विकसित करता है, विस्फोटक शक्ति को, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सटेंसिव अंतराल विधि यानी कि ज्यादा समय की क्रिया, विस्तृत अंतराल विधि एंड गहन अंतराल विधि यानी इंटेंसिव इंटरवल मेथड प्रतियोगिता व्यायामों द्वारा चक्रीय ट्रेनिंग विधि यानी सर्किट ट्रेनिंग मेथड किस प्रकार की ताकत को विकसित करता है। तो यह दोस्तों शक्ति सहनशीलता को विकसित करता है, किसको विकसित करता है, शक्ति सहनशीलता को, चक्रीय ट्रेनिंग सर्किट ट्रेनिंग हमेशा शक्ति सहनशीलता को विकसित करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है शक्ति सहनशीलता के विकास की सबसे प्रभावी विधि जिसमें विभिन्न प्रकार के व्यायामों को एक परिपथ में तैयार करने
कर अभ्यास किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, चक्रीय ट्रेनिंग मेथड यानी कि सर्किट ट्रेनिंग बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि एक परिधि में 8 से 10 आपके खिलाड़ी होंगे और यानी कि दोस्तों जो परिधि यानी कि सर्किट ट्रेनिंग है इसको 1957 में एडमसन और मार्गन ने खोजा था। इसका उद्देश्य है स्ट्रेंथ इंड्योरेंस को डेवलप करना यानी शक्ति सहनशीलता को विकसित करना। यह प्रशिक्षण जो है एक गोलाकार सर्किल में जिसमें 10 से 12 ठहराव यानी स्टेशन होते हैं और प्रत्येक ठहराव पर खिलाड़ी अलग अलग क्रियाकलाप करते हुए इस प्रशिक्षण को पूर्ण करते हैं। और तो दोस्तों इस प्रशिक्षण में 2 पुनरावृत्तियों के बीच 2 सेकेंड का अंतराल दिया जाता है। तो ये होता है आपका सर्किट ट्रेनिंग जो स्ट्रेंथ इंड्योरेंस को डेवलप करता है। तो दोस्तों स्पोर्ट ट्रेनिंग से मुख्य मुख्य जो क्वेश्चन थे वो आपका यहाँ पे समाप्त होता है। ये पार्ट नंबर 4 है दोस्तों और 4 पार्ट में हमने स्पोर्ट ट्रेनिंग से रिलेटेड मुख्य मुख्य क्वेश्चंस को समाप्त कर दिया है। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे टेस्ट एंड मेजरमेंट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि दोस्तों सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों, डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड दोस्तों फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।